Assalamualaikum दोस्तों, आप देखें आज मैं क्या कर रही हूँ। Assalamualaikum दोस्तों, Arrow Woman हूँ। तो आज हम इस जो कैसे कहते हैं ये रोबोट की मदद से क्या काम करेंगी, और आप देखते हैं कि क्या हम एक फिक्शन मूवी तैयार कर ही हो लोगों नहीं। इस वक्त हम 10,000 आयरलैंड की कार्गो बेस में मौजूद हैं, और इस कंपनी न सिर्फ मुसाफिरों को जो अपने मंजिल तक पहुंचा जा सकते हैं, बल्कि साजो सामान को दुनिया भर में तो किसी भी मकाम तक पहुंचा भी जा सकता है। जी हाँ, बहुत भारी साजो सामान को उठाने बहुत मुश्किल काम है। हाँ, और जो कमर के लिए, बैक के लिए, वो वेस्ट के लिए बहुत जो नुकसानात है, इसलिए हम ये रोबोट पहनने के बाद वो हमारी मदद कर सकते हैं और बहुत आसानी से जो बहुत भारी साजो सामान को उठा सकते हैं बहुत आसानी से। जी हाँ, और ये इक्विपमेंट खुद इसकी वजन तकरीबन 5 केजी है, और आप देख सकते हैं कि ये 5 केजी है, और ये बाजू मदद में बाजू पर नसीब हो सकता है, और कमर पर भी नसीब हो सकता है, आप साथ साथ देख सकते हैं। जी हाँ, और इसकी मदद से इजाफा 20 केजी का साजो सामान तो उठा सकते हैं, इसलिए अभी मैं बहुत पावर हूँ। हाँ, बहुत भारी सामान उठा सकती हूँ। हाँ जी, तो हम अभी हम खुद कोशिश करें कि इसकी मदद से आप देखिए जो रोबोट है। हाँ, मेरी बहुत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हाँ जी, क्योंकि ये मुख्तलिफ के लिए तैयार है। हम देख सकते हैं कि मेरा रोबोट तो कमर में नसीब होता है, और आप देखिए यहाँ से, और ये वो बहुत भारी है। इस रोबोट की मदद से वो उठा लिया है। हाँ, तो असल ये बहुत भारी है, जो कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बार फिर ट्राई कर। इसकी मदद से जो सिर्फ हाथ और, हाँ जी, आप देखिए ये आम इस पर ये लस्सी है, और मैं आपको दिखाना चाहती होंगी, यहाँ एक बैग है। आप देखिए, मैं इस बैग को यहाँ लगा सकती हूँ। हाथ फ्री, ठीक है, तो आप नी आने का चीज ला। यस जी हाँ, और मेरा रोबोट ये है जो यहाँ से ऊपर से जो उठाने के लिए बहुत आसान है। हाँ जी, हम अभी देख सकते हैं कि चूसी के रूप में क्या काम कर। वो रोबोट बहुत जो जैसे कहते हैं वो पावरफुल है, इसलिए वो अचानक से। मेरा हाल है कि आपकी सिर्फ ठीक है, आपका हाथ दोनों साइड पे लगा। यस, इस तरह। हाँ, ठीक है। हाँ, आपको कैसा लगा? भारी है? नहीं नहीं, रोबोट बहुत आसान से। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ मेरा हाथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई जो वजन नहीं लगता, वजन नहीं है, और अपनी कोशिश की जरूरत नहीं है। तो इस रोबोट का बड़ा जिक्र बात ये है कि ये रोबोट की टेक्नोलॉजी तो सब एक चाइना में एक मगामी कंपनी ने तैयार किया गया है, और इस रोबोट की मदद से जो यहाँ इस कार्गो बेस में काम करने वाले तमाम मजदूर इस रोबोट के जरिए अपनी थकावट को भी दूर किया जा सकता है। आपको कैसा लगा? कमर और बैक और वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो इंसान का तहफूज किया जा सकता है। जी हाँ, तो आपको कैसा लगा? तो अगर आपके पास ये रोबोट भी है, तो मेरा ख्याल है कि जब आप कोई भारी चीज उठाते वक्त तो जरूर आपको आपके जिस्म को महफूज हो सकता है, और फिर भी आपकी थकावट को भी दूर किया जा सकता है। आप देखें जो ऊपर में उठाने का जो अमल है तो रुक नहीं सकती। हाँ जी, ऐसे ये रोबोट दरअसल इंसानी हड्डियों की तरह तो काम कर सकता है, और ऐसा इक्विपमेंट मेरा ख्याल है कि पहले हम सिर्फ
मूवीज में या फिल्मों में या पिक्चर्स में देखते हैं, लेकिन आज मैं और जूसी आज हमें एक मौका मिला है, हम खुद भी कोशिश करनी हो, आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद है तो हमारा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक हमारे दे दे, और अगर हो सकते हैं हमें उम्मीद है कि आपको ये रोबोट आपको दे देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसके हाँ. साथ बहुत पावरफुल है और वो हम एरो वुमन बन गई है. हाँ जी, और हम दो इजाफे वजन भी उठा सकती हो, और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत मुफीद इजाद है. तो फिर जूसी हम आज यहाँ तक. जी हाँ, तो खुदा हाफिज आज के लिए, और ये बहुत दिलचस्प है. हाँ, आप देखें अगर आपके कोई राय है या कोई जो तजवीज है तो हमें सब कुछ सवाल है सब कुछ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही है, जूसी को इजाजत, तब सुन को इजाजत दीजिए, बाय बाय.